विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थी सम्मान समारोह में जनपद पहुँचे प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी राजवंती स्वतंत्र प्रभार ने प्रदेश की सरकारी बेसिक शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार से पहले पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। प्राइमरी सरकारी स्कूलों की हालत काफी खस्ता थी। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पास अच्छी ड्रेस नहीं थी, बैग नहीं थे, जूते मोजे नहीं थे और पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं थे। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कायाकल्प नामक योजना शुरू की, जिसके तहत सरकारी बेसिक शिक्षा को सुधारने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत योगी सरकार पंचायतों के माध्यम से स्कूलों के जर्जर भवनों का कायाकल्प कर रही है। आज कई स्कूलों के भवन नए बन चुके हैं तो कई में सुधार कर उन्हें रंग बिरंगा कर जगमगाया जा रहा है। स्कूल में ड्रेस, जूते, मोजे, किताबें, बैग आदि वितरित कर छात्रों का स्तर सुधारा जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1,59,000 प्राइमरी स्कूलों में से आज 92,000 स्कूलों की हालत सुधरी है। इसके अंतर्गत कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारियों ने बालिका शिक्षा और दिव्यांग शिक्षा को सुधारने का काम किया है। गार्गी योजना इसी का एक हिस्सा है। ललितपुर में संचालित कारगी योजना के तहत पढ़ी लिखी बहुएं बेटियां को सम्मान के साथ साथ स्वाभिमान भी मिला है। इससे बेसिक शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। बताते चले कि बेसिक शिक्षा मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उनके साथ श्रम राज्य मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री हरि वोरी कर रहे शामिल। शिक्षा के स्तर को लेकर प्रेरणा आपका चली रहा है, विरोध भी चल रहा है लगातार। यहाँ ललितपुर जिले में अगर बात करें, गार्गी योजना शुरू हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में कैसे बेसिक शिक्षा की स्थिति को और भी ठीक किया जाए, इसको लेकर जब से योगी सरकार आई कायाकल्प योजना शुरू हुई। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत इस प्रदेश में होती थी कि स्कूलों की स्थिति खराब थी, बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनके ड्रेस अच्छे नहीं थे, बिजली नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। और जब से प्रदेश में योगी सरकार आई कायाकल्प की योजना शुरू की गई पंचायतों के माध्यम से, आज आप देख रहे होंगे जो जर्जर भवन थे आज उनकी जगह पर रंग बिरंगे जो शिक्षाप्रद चित्र हैं उनसे युक्त दीवारें दिख रही हैं, फर्श बन रहे हैं, बिजली पहुंच गई, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हुई, बच्चों को दो जोड़ी रंगीन ड्रेस मिले, जूते, बैग, स्वेटर सबका इंतजाम हुआ। तो हमने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर, विस्तार पर जोर दिया है। अभी सारे स्कूलों में नहीं कर पाए हैं, ये हमारे पास 1,59,000 से अधिक स्कूल हैं, लगभग 92,000 स्कूलों में हम ये कर पाए हैं, आने वाले समय में ये भी कर पाएंगे। नगरों में कायाकल्प की योजना नहीं थी, उसको भी शुरू किया है। तो ऐसे ही अलग अलग हिस्सों में चीज़ों को ठीक करने के लिए बातें हुई हैं। कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर वहाँ के जिलाधिकारियों ने, मुख्य विकास अधिकारी ने सबने मिलकर कहीं बालिका शिक्षा को लेकर, कहीं दिव्यांगों की शिक्षा को लेकर के अलग अलग प्रयास किए हैं, उसी दिशा में ये भी प्रयास है।